सो गाइस फाइनली सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपना एक अल्टीमेट प्राइवेट मोड जिसका नाम है ऑल्ट जेड लाइफ। ऑल्ट यानी कि अल्टरनेटिव और जेड मतलब जनरेशन जेड। सो गाइस अगर आप कीबोर्ड को देखोगे तो कीबोर्ड में आपको एक ऑल्ट नाम का बटन दिखाई देगा जो कि काफ़ी यूजफुल होता है। मान लो अगर आप कुछ प्राइवेट काम कर रहे हो अपने पीसी पे और सडनली कोई आपके पास आ जाता है तो इस समय ये ऑल्ट बटन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। जैसे आप ऑल्ट बटन को टैप करते हो तो आप अनदर विंडो पे चले जाते हो जिससे आने वाले पर्सन को पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो। तो उसी की तरह सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपना एक प्राइवेट मोड जिसका नाम है ऑल्ट जेड। कुछ दिनों पहले अगर हम ट्विटर पे देखोगे तो ट्विटर पे सैमसंग इंडिया ने एक ट्वीट किया था जिसमें बताया गया था कि 3 दिनों में कुछ मतलब 10 अगस्त को एक फीचर सैमसंग लॉन्च कर रहा है गैलेक्सी A71 और गैलेक्सी A51 में जिसका नाम है ऑल्ट जेड लाइफ। ये फीचर उन सभी लोगों के लिए जो अपना प्राइवेट डेटा सिक्योर करना चाहते हैं और किसी को दिखाना नहीं चाहते। और उसी के साथ साथ अगर हम टेक्निकल गुरुजी का टिकटॉक का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकल गुरुजी ने भी बताया था कि सैमसंग का एक अनदर फीचर आ रहा है जिसका नाम है ऑल्ट जेड लाइफ। जनरली प्राइवेसी के कंसर्न में ये आ रहा है। तो फाइनली सैमसंग का ये फीचर लॉन्च हो गया आज 10 अगस्त 2020 को। और उसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ऑल्ट जेड लाइफ क्या है, किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको ऑल्ट जेड लाइफ प्रोवाइड करता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इंद्रनील और आप देख रहे हैं टेक्निकल थ्रेड्स YouTube चैनल। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स 3 दिनों से सैमसंग के कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया गया है कि 3 days to go, 2 days to go, 1 day to go, ऑल्ट जेड लाइफ आ रहा है। तो इस टाइप के कुछ वीडियोस थे। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे इसके बारे में कि एग्जैक्टली ऑल्ट जेड लाइफ क्या है या ऑल्ट जेड लाइफ एक नया वाला स्मार्टफोन है क्या, इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे। एनीवे, तो जनरली ऑल्ट जेड लाइफ एक प्राइवेसी कंसर्न काफ़ी अच्छा सैमसंग का मोड है जिसको अगर आप यूज़ करते तो आप अपने गैलरीज के फोटोज़ हो या फिर वीडियोज़ हो उसे पब्लिक गैलरी से प्राइवेट गैलरी में काफ़ी इजी तरीके से सेव कर सकते हो। जनरली हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लिया अगर आप अपने गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हो, कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ देख रहे हो और सडनली कोई आपके पास आ जाता है, अगर आपको उसे फ़ोन देना होता है तो आप काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हो क्योंकि आप प्राइवेट वर्क कर रहे थे। तो इसके लिए आप जनरली क्या कर सकते हैं, ये मोड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप मान लो कोई गैलरीज में फ़ोटोज़ देख रहे हैं तो आप उसे सिंपली जो पावर की उसे डबल टैप करके उसे अपने सिक्योर फोल्डर में सेव कर सकते। जनरली ऑल्ट जेड लाइफ के 2 टाइप्स है, फर्स्ट वाला एक क्विक स्विच और उसी के साथ साथ सेकेंड वाला कंटेंट सजेशन। तो सबसे पहले हम क्विक स्विच की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी ऐप देख रहे हो, मतलब आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो या फिर व्हाट्सएप चैट कर रहे हो या किसी भी प्रकार का प्राइवेट वर्क कर रहे हो और आपके पास कोई आ जाता है तो आप डबल टैप करके सिंपली उस वर्क को आपके सिक्योर फोल्डर में सेव कर सकते हो, वो भी सैमसंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी फोल्डर है वो उसमें, जो कि सैमसंग नॉक्स की तरफ से सिक्योर किया गया है। तो आप उस पर डायरेक्टली उसमें मूव कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ प्राइवेट वर्क कर रहे हो। और आपके पास कोई आपका फ़ोन मांग ले तो आपको घबराहट भी नहीं होगी कि आपको फ़ोन उसे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ जो सेकंड ऑप्शन है कंटेंट सजेशन, ये तो काफ़ी अच्छा है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपके फेस स्कैन करके जो जो फेस सिमिलर है, मतलब एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें तो आपके कुछ गर्लफ्रेंड का फोटो या फिर किसी का फोटो है तो उसको डायरेक्टली प्राइवेटली सिक्योर कर देना है। तो आपको सिर्फ उस फोटो को सिलेक्ट करके सिंपली जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके फोटो को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उस फोटो जैसे जितने भी फोटोज आपके गैलरी में है उसे पब्लिक गैलरी से डायरेक्टली आपके प्राइवेट गैलरी में स्टोर कर देगा। उस प्राइवेट गैलरी को आपके परमिशन के अलावा कोई भी ओपन नहीं कर सकता है और आपके जो सारे फोटोज है उस टाइप के वो डायरेक्टली सेव हो जाएंगे आपके प्राइवेट गैलरी में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ सैमसंग के जो सीनियर डायरेक्टर है मनु शर्मा, उन्होंने बताया था कि ये जो फीचर है वो जनरली यंगर्स है उसको उन्हें ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है क्योंकि जनरली यंगर्स जो लोग है वो कुछ ऐसे प्राइवेटली वर्क करते रहते हैं तो हमें उसे फैमिली से या फिर फ्रेंड से पब्लिक से दूर रखना है, तो ये फीचर उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और हाँ, ये फीचर सिर्फ गैलेक्सी
गैलेक्सी A71 और A51 में अभी तक लॉन्च हुआ है। अगर आपके पास ये फ़ोन नहीं और आपको इसे परचेस करना ही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में A71 और A51 का लिंक मिल जाएगा। नियर अबाउट इसका प्राइस कुछ 25 to 30,000 रुपीज़ है, आप इसे परचेस कर सकते हो। उसी के साथ साथ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी AltZLife के बारे में पता चल सके। अगर आपको कुछ AltZLife के बारे में कुछ क्वेश्चन हो या फिर कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम उसे इंप्रूवमेंट या फिर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फिर फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नया एपिसोड में। सो गुड बाय।